रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत यूक्रेन के सहयोगी देशों को बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर पश्चिम यूक्रेन को पश्चिम निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस में हमला करने की अनुमति देता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि पश्चिम सीधे तौर पर रूस से लड़ रहा है। पुतिन ने कहा कि ऐसे में रूस उन खतरों के आधार पर उचित फैसले लेगा जो उसके लिए पैदा होंगे। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की कई महीनों से यूक्रेन के सहयोगी देशों से अनुरोध कर रहे हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी के अमेरिकी और ब्रिटिश हथियारों समेत पश्चिमी मिसाइलों को रूसी क्षेत्र में दागने दिया जाए। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन का कहना है कि अगर यूक्रेन को इसकी अनुमति मिली तो ये कदम लंबी दूरी की मिसाइलों की सप्लाई करने वाले देशों को सीधे युद्ध में खींच लेगा, क्योंकि इन मिसाइलों से निशाना लगाने के लिए जरूरी प्रोग्रामिंग को नाटो सैन्य कर्मियों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन के पास खुद ऐसी क्षमता नहीं है। चलिए अब लंबी दूरी की मिसाइलों के मामले पर आपको पुतिन का बयान सुना देते हैं। Украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. वहीं लंबी दूरी की मिसाइलों को लेकर पिछले दिनों ज़ेलेंस्की का ये बयान सामने आया था।